हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है, ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इख्तदार जाता रहा, काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता, काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाय शामत, काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया, और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। ऐ काश मैं मिट्टी होता, और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है, और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी, जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो।